हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं कि आपने अक्सर देखा है कि ठंड के दिनों में जब भी हम किसी धातु से बनी हुई वस्तु को छूते हैं, यानी जैसे आपके स्टील के बर्तन हो गए या फिर लोहे से बनी कोई वस्तु हो गए, जब हम उसको छूते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ठंड का अनुभव कराती है, यानी वो वस्तुएँ जो रहती हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती हैं। लेकिन इन्हीं की जगह जब हम अधातुओं से बनी हुई वस्तुओं को, जैसे आपका लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, जब इनको छूते हैं तो वो हमें ज़्यादा ठंडी नहीं लगती है। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर में ये धातु और अधातु के बीच ऐसा डिफरेंस हमें देखने को क्यों मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसके पीछे बहुत ही सिंपल सा रीजन होता है। वो रीजन ये होता है कि आपकी जो धातुएं होती हैं, जो मेटल्स होती हैं, उनके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो जो है उष्मा की सुचालक होती हैं, यानी उनके अंदर से हीट का फ्लो जो है होता रहता है। जिस तरीके से आपका मेटल्स के अंदर से, धातु के अंदर से करंट का फ्लो आसानी से होता है, उसी तरीके से हीट का भी फ्लो बहुत ही आसानी से होता है। आपने अपनी डेली लाइफ में देखा भी होगा कि जब भी आप लोहे से बनी हुई किसी वस्तु को एक साइड से गर्म करते हैं तो कुछ टाइम बाद जो है उसका दूसरा साइड भी गर्म हो जाता है। तो वो इसी वजह से होता है, क्योंकि आपका जो लोहा होता है वह उष्मा का सुचालक होता है, यानी उसके अंदर से हीट जो है फ्लो आसानी से हो सकती है। तो क्या होता है, जब भी ठंड के दिनों में हम मेटल से बनी हुई किसी वस्तु को छूते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर से हीट हमेशा रिलीज होती रहती है। तो जैसे ही हम मेटल्स को छूते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर से हीट जो है वो रिलीज होने लगती है, बाहर निकलती है, और वो जो मेटल रहती है वो क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब करने लगती है और शोषित करती है, क्योंकि वह जो है उष्मा की सुचालक होती है। इसलिए जैसे हम उसको टच करते हैं तो वो मेटल क्या करती है, हमारे शरीर में से हीट को एब्जॉर्ब करने लगती है, और इसलिए वह वस्तु को जहां पर भी हम छूते हैं वो हमें ठंडी लगती है। लेकिन क्या होता है, जब इसकी जगह पर हम अधातुओं से बनी हुई वस्तुओं को, जैसे आप लकड़ी से बना हुआ या फिर प्लास्टिक से बना हुआ, इन चीज़ों को जब आप छूते हैं तो ये जो है उष्मा की कुचालक होती है, यानी इनके अंदर से हीट का फ्लो आसानी से नहीं हो पाता है। बस इनके अंदर हीट का फ्लो जब होता है तो इनकी प्रॉपर्टी पूरी तरीके से चेंज जाती है, यानी अपने ये स्टेट को ही चेंज कर देती हैं। इसीलिए क्या होता है, जब इनको आप टच करते हैं तब क्या होता है, इनके अंदर से जो उष्मा का ट्रांसफर रहता है हमारी बॉडी में से, वो उतनी आसानी से नहीं कर पाते जितनी आसानी से आपकी मेटल्स कर पाती हैं। इसलिए जब आप लकड़ी या प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं को छूते हैं तो वो आपको ज़्यादा ठंडी नहीं लगती है, लेकिन जब आप मेटल्स से बनी हुई वस्तुओं को छूते हैं तो वो आपको ज़्यादा ठंडी लगती है। तो यही बेसिक सा रीज़न होता है कि मेटल्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वे उष्मा की सुचालक होती हैं, इसलिए जब आप उन्हें छूते हैं तो वो क्या करती हैं, आपके अंदर से हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती हैं, अपने अंदर अवशोषित करती हैं। इसलिए जिस पार्ट को भी आप टच करते हैं मेटल का, वो आपको ठंडा लगने लगता है। लेकिन जब आप लकड़ी या प्लास्टिक से बनी हुई वस्तु को छूते हैं तो उनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती ही नहीं, वो उष्मा की कुचालक होती हैं, इसलिए वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब नहीं करती, और इसलिए जब आप लकड़ी या प्लास्टिक से बनी हुई वस्तु को छूते हैं तो वो आपको ज़्यादा ठंडी नहीं लगती। लेकिन धातु से बनी हुई वस्तु को छूते हैं तो वो आपको ज़्यादा ठंडी लगती थी। ये बेसिक सा डिफरेंस होता है। आई होप फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप इस टॉपिक को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में और दूसरे अमेजिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इसी तरीके डेली लाइफ से रिलेटेड अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।